जी बीबी जी। ये मैंने पौधे क्यों उखाड़ दिया आपने? ये तो इतने खूबसूरत फूल हैं, पर इनके इतने अलग अलग रंग होते हैं। आप एक काम करें, आप इनको वापस लगा दें, अभी जड़े ताजा ही हैं। बीबी जी, मैं तो इन पौधों को लगा दूंगा, पर मुझे ये पौधे उखाड़ना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन बेगम साहिबा को इन फूलों के रंग से एलर्जी है, ना पसंद करती हैं वो। बीबी जी, वो कहती हैं जब भी वो इन फूलों को देखती हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब उनके लिए इतना तो करना पड़ता है ना। अजीब बात है, वैसे फूलों के रंग से किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। अच्छा खैर अनिला, आप इसे मैं पूछ लूंगी, हो सकता है कि उनको कोई एलर्जी हो। बीबी जी, उन्हें तो खुशबू से भी एलर्जी है। आप इस मामले में ना पड़े तो बहुत बेहतर होगा। मरियम जी, अनिला आप ही। जरा आओ। अरे अरे अरे, जल्दी बाहर आओ, देखो तुम्हारी भाभी क्या कर रही है। क्या कर रही है? माली के साथ मिलकर पूरे गार्डन की सफाई करवा रही है। हाय बेचारी, तो शामत आ जाएगी। आप ही के पौधे उनको जान से ज्यादा प्यारे, उसको तो ये बात पता ही नहीं है बेचारी को। वैसे बड़ी मासूम है तुम्हारी भाभी कि अब तक तुम बहनों को समझ नहीं सकी। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि हाँ हाँ में वो मारी जाएगी। जाओ जाके देखो जाके। जाती हूँ, देख रही हूँ। तुम्हें कुछ ज्यादा ही नहीं फिक्र हो रही आज के मरियम की? है नहीं नहीं, मुझे कोई भी फिक्र नहीं है। पड़ती रे डांट मुझे क्या मेरी बला से। आप ही आपने मुझे बुलाया। ओ लेट मरियम, ये माली से क्या बातचीत हो रही थी? लॉन में क्या कर रही थी? मैं उनकी हेल्प करवा रही थी। मुझे अच्छा लगता है घर के कामों में सबकी हेल्प करवाना। तुम्हारे घर में गार्डन है? मुझे एक्चुअली गार्डनिंग का काफी शौक है, काफी रिफ्रेशिंग फील करती हूँ मैं। हम जब भी फार्म हाउस जाया करते थे ना मैं। लेकिन ये तो पूरा घर तुम्हें फार्म हाउस लग रहा होगा ना? पूल भी है, बड़ा सा लॉन है, सब कुछ। तुम अपने दो मिनट की रिफ्रेशिंग फील के लिए आओगी, माली का काम खराब करोगी उसका दिमाग भी। फिर आइंदा वो अपना काम करने के बजाय तुम्हारा इंतजार करे कि नई मालकिन आएंगी और फिर हुक्म देंगी। नहीं हाफी, मैं उनको कोई हदायत तो नहीं देने गई थी। ये काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। वही तो, यही तो मैं कह रही हूँ। तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हें आदत नहीं ना नौकरों से किस तरह से बात करनी होती है। लेकिन हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं, और जब तक तुम्हें पूरी तरह से हमारे तौर तरीके ना आए, जरूरी तो नहीं ना कि किधर घुसो